करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा के बिरा गुनाहों को माफ़ कर दे। आज जो मैं आपके साथ अमल और वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ बहुत नायाब है, सिर्फ मोहब्बत को बढ़ाने के लिए बहुत बुलंद और बाला है। बहुत से ऐसे वज़ाइफ हैं जो मैंने आपको मोहब्बत के बारे में, चाहत के बारे में और आपस में रिश्तों की तकरार को ख़त्म करने के बारे में बताए हैं, तो आज भी एक नया वजीफे के साथ आपके साथ पेश करने के लिए आई हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे बहुत नाराज़ है और बहुत आपको तकलीफ है उसकी कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है, ख़ासकर मियाँ बीवी के मामले में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि मेरे मतलब के जैसे कि मेरा शोहर क्यों नहीं बोलता, मेरा शोहर मुझसे क्यों नाराज़ है, इस तरह के बहुत से मसले होते हैं। थोड़ी सी रंजिश बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा जो है अपने अंदर जगह बना लेती है, तो इन रंजिशों को ख़त्म करने के लिए तो आपने क्या करना है, सिर्फ जुमे रात वाले दिन आपने जो स्क्रीन के ऊपर तीन आयतें चल रही हैं, आपने वो तीन आयतें लिख कर, ठीक है, तो आपने तीन आयतें किसी कागज पर लिखो और वो तकिए के अंदर रख दो। अगर आपका शोहर है, आपसे नाराज है, तो लिखकर अपने जो तकिया है उसके अंदर रख दो और तकिए को मतलूब के सर के नीचे रख दो, यानी कि उस तकिए के ऊपर जो मतलूब है, जो तालिब है जिसने रखा, और जो मतलूब है उसके सर के नीचे उसको रख दो। अगर इस तकिए के ऊपर आप खुद भी यानी कि तलब करने वाला अगर सर रख ले तो कोई इसका कोई मसला नहीं है, कोई मतलब की परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह दरमियान जो भी नफरत या कोई खराबी या कोई ऐसा मसला होगा खासकर मियाँ बीवी में, तो वो मोहब्बत में बदल जाएगा और बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। ये तकिए के अंदर ही रहने दे, ठीक है, बहुत नायाब और मौजिज अमल है, बहुत बुलंद और बाला अमल है, आप ये लाजमन कीजिएगा। तो आपने जो है जो आयाते हैं वो उतार लेनी है। तो पढ़ना क्या है, फा असली हूं से लेकर आपने हकीमन तक एक आयात है, तो यहां तक आपने पढ़नी है, और पढ़नी नहीं आपने लिखनी है, ठीक है, लिखनी है आपने, पढ़नी नहीं है माजरत के साथ, ठीक है। तो फिर आपने यूसली हूं से लेकर अजीमन तक एक दूसरी आयत है, उसको लिख लीजिएगा जो स्क्रीन पर चल रही है। तीनों आयतें स्क्रीन पर चला दी जाएंगी, आप तीनों को उतार के लिख लीजिएगा। और फिर इंसल्लाहु से लेकर गफूर रहीम तक आपने तीसरी आयत जो उनसे लिख लेनी है, तो इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी मोहब्बत, इतना इत्तेफाक, इतनी चाहत होगी कि कोई तोड़ नहीं सकेगा, यहाँ तक कि कुछ जादू से भी तोड़ेगा ना, कभी भी वो मोहब्बत नहीं टूटेगी, बशर्ते वो तकिए के अंदर आपने जो पर्ची है वो सी दी हो, यानी कि तकिए के अंदर डालकर तकिया ऊपर से सी दो ताकि कोई निकाल ना सके। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अदा फरमाए, इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। खूब का नक्श दिया जाए, यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए, जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए, और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको जरूर देना पड़ेगा, वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता, ठीक है। उसका जो मुकलीन का जाहिर आपको पता है, अमलियात का लिया हुआ नक्श है, और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफ़ी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे चिल्ला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था, और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें, और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर
बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस जो सर्विस दी जा रही है उससे काफी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं। और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके, और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज़ भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात नजर बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफ़ी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज़ हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो बात यह है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉन्ड, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाज़त दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं, बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और दो या तीन मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, ये तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद